समाज की जो बात करे, समाज की बात आगे उठाए और जो समाज पर अत्याचार हो रहे उन्हें रोकने के लिए यदि कोई पहल करता है तो उसको बंद किया जाता है, उस पर रासुका लगा दी जाती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो जिनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, आज उन पर रासुका लगा दी। उस संदर्भ में ये यूपी भवन पर धरना प्रदर्शन करने हमारे साथी आए, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि सर ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पर जो रासुका लगाई है इनका क्या एक औचित्य बनता है जब हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी? यह एक पूरा एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, राजनीतिक केस है, क्योंकि यूपी के अंदर जो इस्टेब्लिश पॉलिटिक्स है, चाहे वो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स हो या सो कॉल्ड सोशल जस्टिस के नाम पे मायावती की पॉलिटिक्स हो, जब ये एक्सपोज हो रही थी तो उसको चैलेंज करने के लिए हमारे साथी चंद्रशेखर रावण जी सामने आते हैं और जो सच में रियलिटी है वहाँ पे एक फ्यूडल सोसाइटी का, जहाँ पे ऊंची जातियों का दबदबा है, उस चीज़ को चैलेंज कर रहे थे। उसके लिए उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए, जैसे आप ही ने कहा कि हाई कोर्ट के जमानत देने के बाद उनको उनके ऊपर फिर से रासुका लगाया गया, जैसे उनको जेलों में फिर से बंद किया जा सके। शायद अगर वो बाहर होते तो जो इनकी हेजेमनी है, इनका जो एक समाज में जो एक्सेप्टेबिलिटी लोग बोलते हैं हमारी है, वो टूट रही होती, वहाँ के युवा सड़कों पर होते, इसलिए उनको जेल में बंद किया गया है। सर आज जब युवा इस बात को लेके आता है तो 144 धारा लगा दी जाती है, क्या अपनी मांग को भी नहीं मांग सकते या अपना ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं? ये तो नेचुरल है, हम लोग चाहे दिल्ली में कितने प्रोटेस्ट करें या करते हैं, या हर समय 144 लगा करके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट होते हैं, इसलिए इनके 144 लगा देने से जनता सड़क पे नहीं आएगी ऐसा नहीं हो सकता, इनके पुलिस लगा देने से जनता सड़क पे नहीं आएगी ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग खुद कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, कई बड़े बड़े मोबिलाइजेशन भी हुए हैं, आज फिर प्रोटेस्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर चंद्रशेखर को नहीं रिहा किया गया, उनके ऊपर से NSA जो एक्ट लगाया गया उसको नहीं रिजेक्ट किया गया, तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मोबिलाइजेशन होगा और प्रोटेस्ट होगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शशि है, JNU आयशा से मैं हूँ। धन्यवाद।